हमें गोलियां दिखाई जाती हैं, हमें डंटा दिखाया जाता है। ये गोली मेरा बाप का पैसा से इनको मिला है, इनके बदन का एक एक कपड़ा जो है वो मेरे खून पसीने के पैसे से आया है, और ये हमसे ये हमें उंगली दिखा रहे हैं। खतियानी को जो टोकेगा, खतियानी उसे ठोकेगा। जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जिन भारत की टीम झारखंड विधानसभा के समीप पहुंची है, जहां पर आज झारखंड 32 खतियान को लेकर के विधानसभा का घेराव करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इनको रोक दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बैरिकेड लगा हुआ है, पुलिस बहुत संख्या में मौजूद है, और ये लोग जो 32 खतियान को लेकर के पैदल चल करके आ रहे हैं हरमू मैदान से, ये लोगों की संख्या भी काफी है। देखिए हेमंत सरकार, खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब डरते हैं तो ऐसे लोगों को, ये जोकर लोग जो चितकबरा ड्रेस पहन कर बैठे हैं, उनको आगे कर दिया जाता है। ये यहाँ कोई सर्कस नहीं चल रहा है, कैसे चितकबरा वस्त्र पहने लोगों को हथियार देकर खड़ा कर दिया गया है। हम लोग जानवर नहीं है कि हंटर लेकर इनको खड़ा कर दिया गया है। और जिस दिन आज या जिस तरीके से हथियार लेकर इनको खड़ा किया गया है, मुख्यमंत्री 24 में जब हमारे क्षेत्र में आएंगे, यही हथियार उनको दिया जाएगा। हमें गोलियां दिखाई जाती हैं, हमें डंटा दिखाया जाता है। ये गोली मेरा बाप का पैसा से इनको मिला है, मेरा बाप टैक्स दिया है, हम टैक्स दिए तभी गोली इनको मिला। इनके बदन का एक एक कपड़ा जो है वो मेरे खून पसीने के पैसे से आया है, और ये हमें उंगली दिखा रहे हैं। जिस दिन से टैक्स देना बंद कर देंगे, भूखे नंगे ये लोग हो जाएंगे, और इनको ये जो लोग उंगलियां दिखा रहे हैं और लाठियां दिखा रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए। ये अपने पुरखों को क्या मुंह दिखाएंगे? यहीं के लोग हैं, आदिवासी मूलवासी लोग हैं, ये अपने बाप दादाओं को क्या मुंह दिखाएंगे? इनके बगल में जिन जहां इनको मरने के बाद दफन किया जाएगा, बगल में इनके बाप दादा का कब्र होगा, क्या मुंह दिखाएंगे ये लोग? इनको तो शर्म नहीं आता है। एक बात बता देते हैं कि जिस तरीके से आज बैरिकेटिंग पर चढ़े हैं, वक्त आने पर हेमंत सोरेन की छाती पर भी चढ़ना होगा तो चढ़ेंगे, शहादत देना होगा शहादत देंगे, फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लाठी गोली डंडों से ना पूर्वज लड़ा है डरा है हमारा, और ना हम डरते हैं। सम्मान है, सम्मान को सम्मान तरीके से रखना चाहिए। अगर लड़ने ही की बात है तो हम तैयार रहते हैं, लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए हमको अच्छे से बात करें, लेकिन इच्छित कबरे वस्त्रों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जनता सड़क पर है 32 खतियान को लेकर, आप क्या कहिएगा? 32 खतियान क्या है? हमें तो खतियान आधारित स्थान नीति चाहिए, नियोजन नीति चाहिए, और इसी के आधार पर आने वाले दिनों में एक एक युवा युवतियों को रोजगार चाहिए, जो यहाँ पर खतियानदारी हैं, और जो भाई खतियानियों के साथ छल करेगा, खतियानी को जो टोकेगा खतियानी उसे ठोकेगा। और ये जो मैट्रिक इंटर वाली नीति है भैया, ये नहीं चलेगी, और आप गलत तरीके से
अगर यहाँ पर नीति बनाएंगे तो आज जैसा विरोध हो रहा है कल के समय में इससे भी ज्यादा विरोध व्यापक होगा। तो आपने देखा कि कितने संख्या में लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन ने इनको रोक दिया है। काफ़ी महिलाएं हैं जो जमीन पर बैठ गई है, कुछ लोग जो जमीन पर बैठ गए हैं। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।